हाय ऑल, यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ एक हेयर मास्क। अंडे का जो पीला हिस्सा होता है यानी जिसे एग योक बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके। और अंडे में प्रोटीन, बायोटिन, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, साथ साथ इसमें सेलेनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है, जो हमारी सेहत के लिए तो होता ही अच्छा है। साथ ही साथ क्योंकि इसमें खूब सारा प्रोटीन होता है, बायोटिन होता है, और ये दोनों ही हमारे बालों की सेहत के लिए, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी मिनरल्स माने जाते हैं। साथ ही इसमें होता है फैटी एसिड्स और विटामिन्स ए, विटामिन डी, विटामिन ई, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हेयर ग्रोथ को बूस्ट करते हैं और हेयर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने मिलाया था एक बड़ा चम्मच जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल स्कैल्प को एक्सफोलिएट करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, हमारे बालों को घना और मुलायम बनाए रखने में मदद करता है। ऑलिव ऑयल में मौजूद ओमेगा 6 फैटी एसिड बालों को टूटने और झड़ने से रोकता है, साथ ही ड्राई बालों की समस्या को भी दूर करता है। तो ये तो हो गई बालों की बात। अब यहाँ पे ये जो मेरी दूसरी रेमेडी है, इसके लिए मैंने अंडे का सफ़ेद हिस्सा यानी कि एग वाइट का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने रोज़ हिप ऑयल की कुछ बूंदें भी ऐड की हैं। ये हो गया मेरा एग वाइट फेस मास्क। आप अगर चाहें तो इसमें विटामिन ई की कैप्सूल या कोई भी एसेंशियल ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और एग वाइट स्किन को टाइट और फर्म रखने में हेल्प करता है, साथ ही अगर जिन्हें ओपन पोर्स की समस्या है या अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, चिपचिपी और ग्रीसी सी है, तो एग वाइट का फेस पैक ज़रूर इस्तेमाल करें। स्किन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, एग वाइट उन्हें दूर करने में मदद करता है। और इसके अलावा अंडे की जर्दी यानी कि एग वाइट में मौजूद राइबोफ्लेविन, जो विटामिन B2 के रूप में भी जाना जाता है, ये काम करता है एंटी रिंकल का, साथ ही स्किन की कॉलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। तो अंडे की सफ़ेदी यानी कि एग वाइट स्किन को फ्री रेडिकल से होने वाले जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनसे सुरक्षित रखता है, साथ ही डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके स्किन को स्मूथ, क्लियर और हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को शैम्पू कर लिया है और अब मैं अपने बालों को नेचुरल तरीके से सुखाऊंगी। और हमेशा कोशिश करें कि आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से ही सुखाएं और जितना हो सके हेयर इक्विपमेंट्स का कम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन के लिए अपनी डाइट में रोज प्रोटीन का सेवन करना ना भूलें।